दोस्तों, शेयर बाजार की जब बात हुई थी तब लोगों ने पूछा था कि यह काम कैसे करता है। तो आइए आपको मैं किसका एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही निकट का। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले एक हिंडनबर्ग अमेरिका की एक कंपनी है, उसकी कोई रिपोर्ट आई थी। उसने कुछ लीक किया था कि अडानी ने अपने शेयरों में या उसका अकाउंट बराबर नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट लीक हुई। और उसके बाद में अडानी के शेयर जो 3600 पर थे वो 1000 पर आ गए। अब मुझे यह बताइए कि उस 2 महीने में बाद वापस अब शायद अडानी 3000 के पास पहुंच गया होगा, तो यह सब हुआ क्यों? क्या अडानी ने अपने अकाउंट्स ठीक कर लिए? क्या अडानी ने जो पहले जो अकाउंट्स बनाए थे वो सब सही कर लिए? या उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था? या जो रिपोर्ट आई थी वही नकली थी? तो वापस अडानी के शेयर ऊपर क्यों आए? और आए तो आए, कैसे आए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो आम इंसान है जो शेयर खरीदता है उसने तो रिपोर्ट आने के बाद अपने शेयर या अपना हक बाजार को बेचा ही होगा। रखा तो बहुत कम लोगों ने होगा, तो उनके बेचने से उनके पास में तो अब कुछ रहा नहीं। तो फिर ये शेयर का भाव 1000 से 3000 हुआ कैसे? इस पर भी मंथन करिए। यह बहुत ही समझने वाली प्रक्रिया है, यही आजकल का बाजार का इकोनॉमिक्स है। यह इकोनॉमिक्स पूरा ब्लैक एंड शॉल्स के मॉडल पर है। ब्लैक एंड शॉल्स वह नोबेल पुरस्कार विजेता था जिसने प्रोबेबिलिटी की गणना करी थी। प्रोबेबिलिटी की गणना मतलब भविष्य की गणना, फ्यूचर की गणना। उस बेचारे व्यक्ति ने तो वो प्रोबेबिलिटी की गणना सिर्फ अनाज के लिए करी थी कि जो किसान अनाज बो करके फेंक देता था। उसने यह बताया था कि भविष्य में इसकी जरूरत और कितनी पड़ेगी, तो आप इसे फेंकिए नहीं, इसे संभाल कर रखिए ताकि भविष्य में लोग भूखे ना मर सकें। अब इस फॉर्मूले को उठाया बाजार ने और बनाया एक सेंसेक्स, एक स्टॉक एक्सचेंज। और यह सब बहुत पुराने नहीं हुआ। पहले भारत में कोलकाता और मुंबई में ही स्टॉक एक्सचेंज होते थे, जहां पर ओरिजिनल शेयर बाजारी की ले बेच होती थी। और जो ओरिजिनल शेयर्स होते थे वह भी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका भाव कम या ज़्यादा होता था। अब जब ये कंपनी ज़्यादा अच्छा कमाती थी तो अपने शेयर होल्डर्स को भी वह उतना ही मुनाफा देती थी, जिससे लोगों को यह लगता था कि मैं भी इस कंपनी में अपनी भागीदारी करूं ताकि मुझे भी इसका मुनाफा मिल सके। तो शेयर बाजार का असली कॉन्सेप्ट यह था। लेकिन 1990 के बाद जब बर्लिन की दीवार टूटी, अब आप सोचेंगे बर्लिन कहाँ से आ गया बीच में? असल में बर्लिन की दीवार टूटना विश्व के लिए दो विचारधाराओं का मिलन था, एक कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म। इन दोनों ने मिलकर ही एक साझा कार्यक्रम तैयार किया, और वही साझा कार्यक्रम के तहत कौन किस पर भारी रहा और हमारे देश पर और हमारे जीवन पर कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसने असर किया, इन सभी बातों को जानने के लिए इसी वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखें। धन्यवाद।